सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास Realme Narzo N65 5G मोबाइल दोस्तों, आप उसमें फिंगरप्रिंट ऐप लॉक करना चाहते हैं दोस्तों, आपको फिंगरप्रिंट ऐप लॉक करने के लिए करना क्या दोस्तों, सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। सोने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। सोने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक का, आपको सिंपली ऐप लॉक वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। शो होने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक का, आपको सब आपको ये टिक इनेबल करना है। टिक इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट ऐप प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए आपको सेटिंग्स वाले पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपको जो भी पिन डालना है दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों जो भी लॉक लगाना है आपको यहाँ पे वो लॉक आपको डालना है। डालने के बाद आपको यूज वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपको फिर से वही पिन यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। अब दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको दोस्तों जो डालना है दोस्तों आपको सेम दोस्तों डाल देना है। डालने के बाद आपको साइड में यहाँ पर राइट का आइकन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली सही वाले पे निशान पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट ऐप लॉक करने के लिए करना क्या है दोस्तों, तो साइड में थ्री एडमिन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उस पर टाइप करना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। सोने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स का, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर अनलॉक मेथड्स का, दोस्तों आपको सिंपली उस पर टाइप करना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट ऐप लॉक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपने पहले अपने मोबाइल में दोस्तों जो भी स्क्रीन लॉक फिंगरप्रिंट ऐड कराना है दोस्तों, फिंगरप्रिंट जब तक ऐड नहीं कराओगे तब तक अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक नहीं कर पाओगे। अब जो आपने फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक में दोस्तों ऐड करा रखा है दोस्तों, आपको वही यहाँ पे भी ऐड कराना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट का, दोस्तों आपको सिंपली फिंगरप्रिंट के सामने टिक इनेबल करना है। टिक इनेबल करने के बाद दोस्तों बैग देते हैं। अब दोस्तों बैग आने के बाद जो भी ऐप पे लॉग लगाना चाहते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लॉग लगाना चाहता हूँ दोस्तों, यूट्यूब के सामने यहाँ पर टिक इनेबल करते हैं। टिक इनेबल करने के बाद दोस्तों बैग देते हैं। बैग आने के बाद दोस्तों अपना ऐप बार में जाते हैं। ऐप बार में जाने के बाद दोस्तों अपना यूट्यूब ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाए हमारा मोबाइल यूट्यूब फिंगरप्रिंट से ही ओपन हो जा रहा है। सो दोस्तों इस तरह से आपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक कर पाएंगे। वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठे के मिलेंगे वीडियो में।